हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया है, मजे में? पढ़ाई मस्त चल रही है? रियल एनालिसिस बढ़िया चल रही है, मस्त? देखो बच्चों, हम लोग रियल एनालिसिस में सीक्वेंस के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था, बाउंडेड सीक्वेंस। फिर उससे हमने समझा था सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होता है। इन दो बातों को हमने समझा था। देखो, सुप्रीमम और इन्फिमम के मैं आपको एक दो और एग्जांपल कराता हूँ, जिससे कि हमारी सुप्रीमम इन्फिमम की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहले ही मैंने कुछ आपको एग्जांपल कराए थे, ठीक है? अच्छा, अब देखो, जैसे मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल कराता हूँ। मान लो हमें एक सीक्वेंस दी गई है, एफ एन बराबर एन माइनस वन का मॉड, एन माइनस टू का मॉड और एन माइनस थ्री का मॉड। मान लो हमें ये एक सीक्वेंस दी गई है ना? और इस सीक्वेंस में हमको ढूंढना है कि सुप्रीमम और इन्फिमम आखिर क्या होगा, ठीक है? सुप्रीमम और इन्फिमम आखिर क्या होगा, ये हमको इस सीक्वेंस में ढूंढना है। देखो, मैंने बताया, अगर हमारे पुराने बेसिस क्लियर हों तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे जो कंपटीशन होते हैं, जैसे कि आप अगर जेम की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपको इस टाइप के बहुत से सवाल मिलेंगे जो होंगे तो ग्रेजुएशन के, लेकिन उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं 11 12 की मैथ से होता है। देखो, 11 12 के मेरे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, बहुत अच्छा होगा आप 11 12 का पूरा कैलकुलस तैयार कर लीजिए। देखो, मॉडुलस फंक्शन डिटेल से मैंने 11 12 के वीडियो में पढ़ाया हुआ है। फंक्शन में जाइए, फंक्शन में आपको मिलेगा मॉडुलस फंक्शन, सब कुछ समझ में आएगा। और वैसे भी 11 12 का मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कहीं पढ़ने पढ़ाने के उसमें आएंगे तो 11 12 की मैथ्स अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है? तो देखो, जैसे अब हमें इसका सुप्रीमम इन्फिमम चाहिए। एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी। तो देखना पड़ेगा कि आखिर सुप्रीमम और इन्फिमम एग्जिस्ट करता है भी नहीं करता है, या करता है तो क्या होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जो हमें सामने दिया गया है सीक्वेंस, इसका हम लोग एक रफ ग्राफ बनाए, इसका हम लोग जरा एक रफ ग्राफ बनाए कि आखिर इसका रफ ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, एन की पावर 1/n बहुत टफ सवाल था, और उसका मैंने ग्राफ बनाकर आपको समझाया था कि आखिर सुप्रीमम इन्फिमम हम कैसे निकालेंगे। तो इस प्रकार के बहुत से सवाल यहाँ बन सकते हैं, बहुत से। अगर हमारे बेसिक्स मतलब 11 12 के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सारे सवाल हम आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है? देखो क्या होगा, समझो यहाँ पर ध्यान से। जैसे n को अगर मैं 1 रखता हूँ, n को 1 रखता हूँ, देखो y क्या मिलेगा, देखो y क्या मिलेगा। n को 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 का मॉड 0 होता है। एन को 1 रखोगे तो मॉड ऑफ -1, मॉड की खास बात क्या होती है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। वैसे मॉड ऑफ -2 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +2, है ना? और अगर पॉजिटिव है तो मॉड उसी के बराबर रहता है, ये हमको मालूम है। एन को 1 रखेंगे तो मॉड ऑफ -1 यानी कि 1 हो जाएगा। एन को 2 रखेंगे तो मॉड ऑफ -2, एन को 1 रखेंगे तो मॉड ऑफ -2 यानी कि +2 हो जाएगा। देखो, ये 3 वैल्यू आ गई। अगर हम n को 2 ले लें, देखो क्या होगा, मॉड ऑफ 1 यानी कि 1, मॉड ऑफ 0 यानी कि 0। n को 2 ले लें तो क्या होगा, मॉड ऑफ -1 यानी कि 1, तो फिर से देखो 2 आ गया। अगर हम n को 3 ले लें तो देखो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 लेंगे तो क्या होगा, सोचो 3 लेंगे तो क्या होगा, 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 0, देखो फिर से 3 आ गया। अगर हम n की वैल्यू को 4 ले लें, कुछ वैल्यूज रख के देखो, खास तौर पे वो वैल्यू जरूर रखनी है, जैसे कि n को 1 रखना है, 2 को रखना है, 3 रखना है। n की ये वैल्यू जरूर लेनी है जहां पर मॉडुलस 0 हो रहा है, इस बात पे जरा ध्यान दीजिए। n की ऐसी वैल्यू जरूर लेनी है जहां पर ये मॉड 0 हो रहा है, ठीक है? देखो, n को 4 ले लें, y क्या होगा, मॉड ऑफ 3 यानी कि 3, मॉड ऑफ 2 यानी कि 2, और मॉड ऑफ 1 यानी कि 1, तो 6 हो गया। एन को 5 ले लें, समझे, तो वाई क्या होगा, देखो 5 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, तो देखो 9 हो जाएगा। देखो, एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करें, देखिए क्या हो रहा है।
देखो समझो क्या हो रहा है, n को 1 लिया तो y 3 है, तो 1 पर 3 है, ये है हमारा 1,3। n को 2 लिया तो y 2 है, है ना, n को 2 लिया, देखो n को 2 लेंगे तो ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। n को 1 लिया तो ये 0, ये 1, ये 2, 3। n को 2 लिया तो ये 1, ये 0 और ये 1 यानी कि 2। n को 3 लिया तो 2,103, ठीक है। तो n को 2 लेंगे तो वैल्यू 2 है, n 2 है तो वैल्यू 2 है, मतलब 2,2। n 3 है तो y देखो फिर से 3 है, n 3 है तो y की वैल्यू फिर से 3 है, 3,3। n 4 है तो y 6 है, n 4 है तो y 6 है, 4,6, ठीक है। n 5 है तो y 9 है, 5 है तो 9 है, देखो ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। अब देखो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये है, अब देखो आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो समझो यहां पर ध्यान से, ये बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, इनफाइनाइट पे जाएगा, ये कंफर्म है। और सबसे कम वैल्यू इसकी कहां पर है, देखो 2 पर, y की देखो सबसे कम वैल्यू ये है 2, सबसे कम वैल्यू y की 2 है, तो इसका मतलब ये 2 के नीचे कभी नहीं जाएगा। तो 2 जो है वो इसका हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि GLB है ना, इनफिमम। तो y बराबर 2 क्या हो गया बोलो, इसका GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इनफिमम हो गया, इनफिमम, ठीक है। तो y बराबर 2 इसका इनफिमम हो गया, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, इनफाइनाइट। तो इसलिए इसके पास सुप्रीमम नहीं होगा, तो इसके पास केवल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफिमम तो होगा, जो कि 2 होगा। तो इसका इनफिमम कितना हो गया, 2, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 2 हो गया, और सुप्रीमम इसके पास नहीं होगा क्योंकि वहां पर ये जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, बात समझे। तो इस तरीके से देखो हम इस प्रकार के फंक्शन का सुप्रीमम और इनफिमम निकाल सकते हैं। लिखो जरा इसको ध्यान से, ठीक है। तो साथ साथ अगर आप 11, 12 का कैलकुलस भी पढ़ते रहेंगे, बल्कि 11, 12 का पूरा कोर्स पढ़ लो तो बड़ा अच्छा है, कैलकुलस है, कोऑर्डिनेट है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सब पढ़ लो, इसकी जरूरत हर जगह हमको पड़ती रहेगी। मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा परफेक्शन तो देखो बहुत ज़्यादा सवाल लगाने के बाद ही आता है, लेकिन सारा बेसिक आना चाहिए, बहुत बेसिक अगर दिमाग में चलेगा। और वैसे मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, है ना, कि भाई साथ साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे, समझाता रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ने पर समझाता रहता हूँ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लिखो जरा इसको ध्यान से, देखो जैसे मान लो हमें एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, fn बराबर n माइनस 3 का मॉड माइनस 2 का होल मॉड, ऐसे दे दिया जाए, और इसका हमसे पूछा जाए कि भाई सुप्रीमम या इनफिमम क्या होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो भाई देखना पड़ेगा सुप्रीमम या इनफिमम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें भी हमको सुप्रीमम और इनफिमम चाहिए, ठीक है, ये हमको यहां पर चाहिए। देखो फिर वही है ना, इसको y मान ले या xn मान ले की बात है, y या xn कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं। तो जैसे मान लो y की वैल्यू क्या है, n माइनस 3 माइनस 2 का होल मॉड, n को 1 ले लो क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 से ही शुरू होगी, n को 1 लिया, देखो y क्या आएगा, मॉड ऑफ ऐसे आएगा ना माइनस टू का होल मॉड, मॉड ऑफ माइनस टू टू, टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। एन को टू ले लो तो वाई क्या आया, मॉड ऑफ माइनस वन माइनस टू का होल मॉड, एन को टू ले लिया ना,
तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 का मॉड क्या हो जाएगा 1, एन को 2 ले लिया, ठीक है, हाँ सही, एन को 3 ले लिया, देखो वाई क्या आएगा, ठीक है, एन को 3 लिया तो मॉड ऑफ 0 माइनस 2 यानी कि 2 ही रहेगा, मॉड ऑफ माइनस 2 प्लस 2 जाएगा, एन को 4 लिया तो वाई क्या आएगा, सोचो एन को 4 लिया तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि मॉड ऑफ माइनस 1 तो वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है, एन को 4 लेने पर, समझे, ठीक है, 1 माइनस 2, ठीक है, एन को 4 लिया तो 1 माइनस 2 का मॉड बन, ठीक है, एन को 5 लो, देखो वाई क्या आएगा, 5 लिया तो मॉड ऑफ 2 बचेगा और माइनस 2 का होल मॉड, ये हो जाएगा 0, 5 लेने पर हो जाएगा 0, ठीक है, अच्छा एन को 6 लेंगे, कुछ वैल्यू देखनी पड़ती हैं कि जिससे एक आइडिया लगे कि चल क्या रहा है, कि एक आइडिया लगे आखिर ग्राफ किस तरफ जा रहा है, देखो एन को 6 लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 2 देखो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, एन को 6 रखोगे तो 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 माइनस 2 का मॉड कितना हो जाएगा 1, एन को 7 ले ले तो क्या होगा, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2, 2 का मॉड कितना हो जाएगा 2, एन को 8 ले ले तो क्या होगा बोलो, 8 माइनस 3 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, एन को 9 ले ले तो क्या बचेगा बोलो, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, अब देखो यहां से ये वैल्यू बढ़ने लगी लगातार, अब इसके बाद देखो ये वैल्यू कभी नीचे नहीं आएगी, देखो 1 पर 0 है, 1 पर 0 है मतलब देखो ये 1 कॉमा 0 है, 2 पर 1 है तो देखो 2 पर वैल्यू 1 है, 2 कॉमा 1 है, 3 पर 2 है तो देखो 3 पर वैल्यू 2 है, 3 कॉमा 2 है, उसके बाद 4 पर फिर 1 हो गई, 4 पर देखो वैल्यू फिर 1 हो गई, और उसके बाद 5 पर फिर 0 हो गई, देखो वैल्यू 6 पर फिर 1 हो गई, है ना, 6 पर देखो फिर 1 हो गई, 7 पर फिर वैल्यू 2 हो गई, 8 पर 3, फिर ऐसे करके देखो वैल्यू बढ़ने लग गई, तो इसका मतलब देखो क्या होगा कि ये जो है 1 पर 0 फिर ये 1 फिर ये 2 फिर ये 1 फिर ये 0, 5 के पर 0 आ गई, और 5 के बाद देखो लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है y की, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और इन्फाइनाइट तक जाएगी, तो इसमें सुप्रीमम फिर से नहीं मिलेगा, और इन्फिमम जो सबसे कम वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, तो इन्फिमम क्या मिल जाएगा, 0, इन्फिमम क्या मिल जाएगा, 0, देखो ये सबसे कम वैल्यू है इस पर और इस पर, दो पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू है, तो ये जो 0 है ये हमारा हो जाएगा इन्फिमम, मतलब वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम हो गया, क्योंकि इससे कम वैल्यू कभी नहीं जाएगी, और सुप्रीमम क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट, इसका सुप्रीमम क्या होगा बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, तो सुप्रीमम क्या होगा बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है ना, और इन्फिमम क्या हो गया, इन्फिमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो कितना हो गया, 0, क्योंकि 0 सबसे कम वैल्यू है और बड़ी वैल्यू इंफिनिटी पर जा रही है ना, तो 0 हो गया इसका इन्फिमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ऐसे बहुत से सवाल बनाए जा सकते हैं, तुमको मैंने हिंट दिया कि देखो किस किस तरीके सवाल तुमसे खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बीएससी वगैरह में तो जनरली वही सवाल आते हैं, वही थ्योरम आती है जो हमारी किताबों में दी जाती है, है ना, बीएससी में तो क्या होता, रट के पास किया जा सकता, बच्चे करते हैं, मतलब 95-96% बच्चे बीएससी एमएससी में मैथ्स में याद कर लेते हैं, डेफिनेशन लिखाते हैं और पास हो जाते हैं, समझते नहीं है, फिर आगे जाके वही दिक्कत होती है, अच्छे एग्जाम नहीं निकलते हैं, फिर कहते हैं जी पढ़े लिखे जो हैं वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि चीज़ों को ढंग से समझा नहीं, दिमाग नहीं लगाया, तो
कंपटीशन में जो है अच्छे कंपटीशन में अगर निकालना है मैथ्स में हमको, तो अच्छे सवाल करने पड़ेंगे। और मैं सारे सवाल हर प्रकार का सवाल देखो यहाँ पर अपनी पढ़ाई में इंक्लूड करता हूँ इसीलिए, जिससे हमको अच्छे से आ जाए। और तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ते रहना। हर प्रकार का सवाल, हर प्रकार का अच्छा कॉन्सेप्ट, हर प्रकार की थ्योरम मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और सीक्वेंस के आगे की कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।